तो क्या हाल है प्यारे बच्चों, चलिए शुरू कर लेते हैं अपने आज का टॉपिक जिसका नाम है मापन। तो अपने चैप्टर नंबर जो है वो सेकंड चल रहा था, और इस चैप्टर में आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है कि मतलब कि ये मात्रक क्या होता है, मात्रक कितने प्रकार के हैं। ठीक है, कहने का मतलब मापन की जो पद्धतियाँ हैं CGS, FPS, MKS, SI, उन सब के बारे में अपने पढ़ लिया। फिर अपने घन कोण और समतल कोण के बारे में भी पढ़ा, रेडियन के बारे में पढ़ा, स्टेरेडियन के बारे में पढ़ा। तो कुछ इस तरह से हमने डिग्री को जो है रेडियन में और रेडियन को डिग्री में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, तो ये भी हमने समझा। अब अपने आगे चलते हैं, और आज का जो अपना टॉपिक है वो है मापन। मापन का मतलब होता क्या है, पहले इसको अपने सिंपल वे में समझेंगे, फिर अपने बुक की लैंग्वेज या जो फिजिक्स कहती है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मापन जो है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि मार्केट से कुछ चीज़ ले आओ, तो आप क्या करोगे कि सर 1 kg, 2 kg, 3 kg, 1 लीटर, ठीक है, 2 लीटर, मतलब किस टाइप से आप बोलोगे। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ माप रहा हूँ कि इस वस्तु का माप कितना है, 1 kg, इसका माप कितना है, 2 kg, ये कितना है, 3 kg, 1 लीटर, 2 लीटर, और अगर कोई चीज़ अपने लेंथ में है तो 1 मीटर हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। तो हम इस संख्यात्मक मान को, ये जो आपने संख्यात्मक मान देखा, इस संख्यात्मक मान को ही हम मापन कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को या उसके परिमाण को ही हम एक तरह से मापन कह रहे हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए, जो फिजिक्स जो है या जो एक्चुअल लैंग्वेज है, डेफिनेशन है, वो ये कहती है कि ये संख्यात्मक मान नहीं, आपने इस संख्यात्मक मान को इसके साथ कंपेयर किया, यानी कि हमने एक तुलनात्मक अध्ययन किया। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में आप मान लो कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, और उस चीज़ का जो मतलब कि परिमाण है, मान लो आप 3 किलो खरीदने जा रहे हो, 3 kg समथिंग कुछ खरीदने जा रहे हो, तो आप जो भौतिक तुला होती है उसके एक साइड तो 3 kg जो चीज़ आप लेने जा रहे हो वो रख दी, और दूसरी साइड जो है आपने एक 3 kg का वाट रख दिया। कहने का मतलब मैंने इसको उसके साथ कंपेयर किया। तो इस तरह से किसी भी भौतिक राशि को एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना, मतलब कि किसी भी भौतिक राशि जिसका माप हमें पता नहीं है, उसको उसी प्रकार की पहले से पता माप वाली राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। इस जो वस्तु है इसका माप हमें पता है कि ये 3 kg है, लेकिन हम जो चीज़ खरीद रहे हैं वो हमें नहीं पता, वो हम इसमें बार बार डालेंगे, जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि ये कितना हो चुका है, 3 kg। तो कहने का मतलब किसी अज्ञात भौतिक राशि जिसका माप हमें पता ना हो, उसकी तुलना उसी प्रकार की ज्ञात भौतिक राशि से करना, ठीक है। यानी कि यहां मैं 3 kg की तुलना जो है इधर वाले किलोग्राम वाले से ही कर रहा हूं। तो किसी भी अज्ञात भौतिक राशि, कहने का मतलब ऐसी भौतिक राशि जिसका माप हमें पता ना हो, उसकी तुलना पहले से ज्ञात उसी प्रकार की भौतिक राशि से करना मापन कहलाता है। क्लियर? तो यानी कि अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे कि ये पहले से ज्ञात उसी प्रकार की, इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल 3 kg आप कुछ चीज लेने गए, और मार्केट जो शॉपकीपर है उसने बोला कि ये लो 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर के इक्वल करके मैं आपको दे देता हूं, तो यहां तो बात गड़बड़ हो गई। हम द्रव्यमान लेने गए थे और उसने लंबाई पकड़ा दी। कहने का मतलब हमने जो तुलनात्मक अध्ययन हुआ उसमें सेम तरह की राशि से तुलनात्मक अध्ययन नहीं हुआ। आपने किलोग्राम की तुलना जो है लंबाई से कर ली, जो कि गलत है। तो कहने का मतलब किसी भी ऐसी भौतिक राशि जिसका माप हमें पता ना हो, उसकी तुलना उसी प्रकार की ज्ञात भौतिक राशि से करना मापन कहलाता है। ओके, जैसे ये रिजल्टेंट अपने को क्या मिला, परिणामी, यहाँ पर 3। ओके, तो ये 3 है। तो इस तरह का अपनी लैंग्वेज में संख्यात्मक मान ही क्या है, वस्तु का एक तरह से मापन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं। जैसे मान लो आप चीनी लेने गए, ओके, और चीनी आपने ली कितनी, 2 किलोग्राम।
डन। तो चीनी क्या है? ये अपने पास है एक भौतिक राशि, भौतिक राशि। और इसका संख्यात्मक मान क्या है, मतलब कि कितनी चीनी? तो ये दो क्या है, इसका संख्यात्मक मान। इस दो को हम बोलेंगे कि ये चीनी का क्या है, संख्यात्मक मान। और किलोग्राम चीनी का क्या हो गया यहाँ पर, मात्रक। क्लियर? अगर मैं इसको फॉर्मूला बनाऊं तो फिजिकल क्वांटिटी प्रोडक्ट होती है एन और यू का। क्यू यहाँ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। एन क्या है यहाँ पर, संख्यात्मक मान है। और यू क्या है यहाँ पर, मात्रक है। जैसे चीनी यहाँ पर हो गया अपने पास भौतिक राशि क्यू, दो यहाँ पर हो गया संख्यात्मक मान, और मात्रक अपने पास हो गया किलोग्राम। तो इस तरह से हम एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि भौतिक राशि जो है वो दो चीज़ों के प्रोडक्ट के इक्वल भी है, यानी कि संख्यात्मक मान और मात्रक। अब अगर अपने थोड़ा और आगे बढ़े तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि जो 2 kg चीनी है वो अपने पास इक्वल्स टू 2000 ग्राम भी है। ये 2 kg चीनी जो है ये 2000 ग्राम भी है। ओके, तो अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर संख्यात्मक मान जो है, जो पहले 2 था, अब कितना हो चुका है, 2000। क्लियर? यानी कि संख्यात्मक मान बदल चुका है। अगर संख्यात्मक मान बदला है तो साथ में मात्रक भी तो बदला है, अब यूनिट वो नहीं रही जो पहले थी। डन। कहने का मतलब, अगर अब मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि ये भी एन यू है और ये भी एन यू है, तो ये भी बात सही नहीं है। इसको अगर मैं N1 लिखूं, इसको U2 लिखूं, तो इसको N2 और इसको क्या लिखा जाएगा, U2। भौतिक राशि वही है, लेकिन बस उसका जो मापन हमने किया वो अलग अलग पद्धति में हो गया, इसलिए संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों में परिवर्तन आ गया। यानी कि अगर कांस्टेंट भौतिक राशि है तो एक नियम जो है वो ये भी कहता है कि N1U1 बराबर क्या होता है, N2U2। इस नियम को बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान रखना है। N1 जो है किसी एक पद्धति में संख्यात्मक मान, U1 जो है किसी एक पद्धति में मात्रक है, N2 जो है दूसरी पद्धति में संख्यात्मक मान, और U2 जो है दूसरी पद्धति में क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। डन। अब फिर से आगे बढ़ते हैं इस रिलेशन की तरफ कि अपने को पता है भौतिक राशि Q बराबर होता है NU। क्लियर? Q है कांस्टेंट, तो इसका मतलब N और U का जो प्रोडक्ट है वो एक स्थिरांक है, यानी कि वो क्या है, एक कांस्टेंट है। तो यहाँ मैं ये भी कह सकता हूँ कि संख्यात्मक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मात्रक बड़ा होगा तो संख्यात्मक मान छोटा होगा, मात्रक छोटा होगा तो संख्यात्मक मान बड़ा होगा। कैसे? इसी एग्जाम्पल में देखो, 2 kg और 2000 ग्राम, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, यहां पर संख्यात्मक मान है 2, तो उसका मात्रक kg एक बड़ा मात्रक है। यहां संख्यात्मक मान है 2000, तो उसका मात्रक ग्राम जो है वो एक छोटा है मात्रक। तो इस तरह से जो संख्यात्मक मान है वो मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये था अपना टॉपिक मापन। तो एक्चुअल में मापन जो है वो 2 राशियों की एक दूसरे से तुलना है, जिसमें एक राशि का मान हमें पता होता है और दूसरी राशि का मान हमें पता नहीं होता है। तो किसी अज्ञात मान वाली राशि को उसी प्रकार की ज्ञात मान वाली राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। और तुलनात्मक अध्ययन से जो हमें संख्यात्मक मान प्राप्त होता है वही उसका क्या है, मापन है। तो ये था अपना टॉपिक मापन। और इससे पहले अपने जो है मात्रक के बारे में पढ़ लिया था, मात्रक सभी को क्लियर होने चाहिए, CGS हो गया, MKS हो गया, SI हो गया, FPS हो गया। आपको SI के जो 7 मूल मात्रक हैं वो अच्छी तरह से याद होने चाहिए, 2 पूरक मात्रक हैं वो भी अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो ये था अपना
टॉपिक मापन। तो मापन मेरे ख्याल से सभी को पता लग गया होगा, मापन जो है दो राशियों के बीच का तुलनात्मक अध्ययन है, जिसमें एक राशि हमें पता होती है और दूसरी उसी प्रकार की राशि अज्ञात होती है। अज्ञात राशि का उसी प्रकार की ज्ञात राशि से तुलनात्मक अध्ययन करने पर हमें माप प्राप्त होता है, जो संख्यात्मक मान मिलेगा वही क्या कहलाता है, मापन। अब अपने चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, कि जैसे अभी आपने द्रव्यमान को मापना सीख लिया, ठीक है, आगे भी अपने और इसके बारे में पढ़ेंगे। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका मान नाम है लंबाई और लंबाई का मापन। अपना टॉपिक है लेंथ एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी कि लंबाई व लंबाई का मापन। तो देखो, लंबाई को मापने के लिए हमें जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, किसी भी का मतलब हो गया जैसे कोई स्केल हो गया, मीटर स्केल हो गया, ठीक है। और अगर छोटी दूरियों को मापना है, छोटी लंबाई को मापना है, तो अपने स्क्रू गेज की हेल्प से या फिर वर्नियर कैलिपर की सहायता से भी लंबाइयों को या दूरियों को, छोटी छोटी दूरियों को माप सकते हैं। तो लंबाई वास्तव में है क्या? तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, लंबाई कहा जाता है। अगर मान लो किसी रास्ते पर अपने जैसे स्कूल से घर जा रहे हैं, तो घर और स्कूल के बीच की दूरी जो है पथ की लंबाई होगी, वो भी एक तरह की दूरी हो जाती है। मार्कर के इस और इस बिंदु के बीच की दूरी मार्कर की लंबाई कहलाती है। अब इस लंबाई के जो मापन की विधि है, तो फिर लंबाई की डेफिनेशन क्या हुई, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, लंबाई कहा जाता है। अब लंबाई के मापन की दो विधियां हैं, एक विधि होती है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी जो विधि है वो है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष नाम से ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट स्केल लिया और उससे हमने किसी भी चीज को माप दिया, यानी कि अगर लघु दूरियों की बात करें, कम दूरियों की बात करें, तो इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मिलीमीटर तक की दूरियों को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, सेंटीमीटर को मापा जा सकता है, मीटर को मापा जा सकता है, फुट को मापा जा सकता है। और अगर दूरियां ज़्यादा हैं, मतलब कि अधिक दूरी के मापन के लिए हम अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में तो कुछ खास नहीं है, प्रत्यक्ष विधि में हम केवल डायरेक्ट मीटर स्केल की सहायता से, वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज की सहायता से लंबाई को माप सकते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, जैसे हम अप्रत्यक्ष विधि के अंदर किसी भी स्केल की हेल्प से या मतलब कि डायरेक्ट मीटर पैमाने की सहायता से डिस्टेंस को नहीं माप सकते। फॉर एग्जांपल, हमें यहाँ से चंद्रमा तक की दूरी मापनी है या कोई और ग्रह तक की दूरी मापनी है, तो हम अप्रत्यक्ष विधि प्रयोग में लाएंगे। अब इस अप्रत्यक्ष विधि के अंदर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जो पहली विधि है वो है लंबन विधि, पैरालेक्स मेथड। ओके, इसको अपने इंग्लिश में बोलते हैं पैरालेक्स मेथड और हिंदी में बोलते हैं लंबन विधि। इसको समझने से पहले आपको इस लंबन को समझना पड़ेगा, ये क्या होता है। अब देखो, फॉर एग्जांपल, जैसे मैं व्हाइट बोर्ड बैक साइड में है, अब मैं व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा हूँ, इस तरह से मैंने मार्कर को आगे किया। आपने करना क्या है, किसी भी दीवार के सामने खड़े हो जाना है और मार्कर या पेन या पेंसिल को अपने बिल्कुल नाक के सामने ऐसे रखना है और बारी बारी से अपनी एक आंख को बंद करके और एक को खुला रख के इसको देखना है। तो आप देखोगे कि बैकग्राउंड के सापेक्ष, अभी मेरे पास जैसे बैकग्राउंड जो है वो दीवार है, तो दीवार के सापेक्ष इस मार्कर की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये वास्तव में परिवर्तन हो रहा है या सिर्फ हमें परिवर्तन का आभास हो रहा है। तो इसको हम वास्तविक परिवर्तन नहीं कह सकते, क्योंकि हमने तो मार्कर को यहाँ पकड़ा हुआ है, तो मार्कर तो वही है, बस एक आंख बंद और एक आंख खोलने से हमें ये लग रहा है, हमें आभास हो रहा है कि मार्कर अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा हट रहा है, कभी इधर हो रहा है कभी इधर हो रहा है। इसी चीज को हम लंबन कहते हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अपनी आंखों से, एक आंख को बंद करके दूसरी आंखों से देखते हो, तो किसी भी बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि के सापेक्ष उसकी स्थिति में आभासी परिवर्तन होता है।
इसी आभासी परिवर्तन को या इस चीज को हम क्या कहते हैं, लंबन कहते हैं। तो इसी तरीके से लंबन विधि द्वारा हम दूर स्थित ग्रहों की दूरियों को मापते हैं, ठीक है, और उसके बाद जैसे उनका व्यास क्या है वो मापते हैं, फिर कोण कितना बना, जैसे मैंने इसको एक आंख से देखा, दूसरी आंख से देखा, तो ये जो दोनों आंखों के बीच की दूरी है ये आधार का काम करेगी, इसको बेसिस कहते हैं, और ये जो दूरी है वो मार्कर तक की दूरी है, और यहाँ जो कोण बन रहा है उसे लंबन कोण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जैसे मेरे पास ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ से मैंने अपनी लेफ्ट आई से देखा और ये मेरी राइट आई है, मतलब कि बाईं और दाईं आंख, और इन दोनों के आंखों के बीच की दूरी जिसको हम आधारक बोलेंगे या आधार कह सकते हो आप, ओके, बेसिस हो गया ये, और ये अपने पास डिस्टेंस हो गई, इसको आप एस नाम दे दो, आर नाम दे दो, जो मर्जी नाम दे दो, ठीक। और इस मार्कर या ऑब्जेक्ट पर ये जो कोण बना, इस कोण को हम बोलते हैं लंबन कोण, इस कोण को हम बोलेंगे लंबन कोण। तो इस लंबन विधि द्वारा दूर स्थित किसी भी ग्रहों की दूरी को मापा जाता है।